जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। देसी नस्ल के पशुधन एवं गौ संवर्धन करने एवं उन पर अनुसंधान द्वारा अपनी राय रखने हेतु वेटरनरी कॉलेज महू में वेटरनरी एवं एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट द्वारा 3 दिवसीय एसोसिएशन 2020 सम्मेलन का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महू के विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद रही। पशुपालन महाविद्यालय महू एवं एसोसिएशन ऑफ एनिमल साइंटिस्ट द्वारा पहली राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, अधिवेशन के तीसरे दिन देश व प्रदेश की देसी नस्ल की गायों का संवर्धन किस तरीके से किया जाए और उनसे अधिक दूध उत्पादन कैसे करें और पशुओं को तकनीकी आधार पर उचित पोषण किस तरीके से दिया जाए जिससे देसी नस्ल की गायों में सुधार हो सके, जिससे गोपालन एक इंडस्ट्रियल रूप में परिवर्तित किया जा सके, इसको लेकर देश भर के करीब 400 पशु वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी ने अपनी राय रखी और इस बात पर मंथन किया कि देसी नस्ल की भैंसों एवं दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य पर किस तरीके से काम किया जाए जिससे वह स्वस्थ रहकर अधिक दूध उत्पादन कर सके। इस परिपेक्ष में जिन वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय अनुसंधान किए हैं, ऐसे वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में दूध उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जाए इस पर अपने शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य 50 उत्कृष्ट पशु चिकित्सकों को पूर्ण रूप से जानकारी देना है, जो कि 3 दिवसीय आयोजन में वैज्ञानिकों की बात सुनेंगे। वे सब जाकर पशुपालक को एवं किसानों को यह जानकारी देंगे ताकि शासन की योजनाओं का उपयोग एवं अनुदान राशि का उपयोग गोवंश की रक्षा के लिए किस तरीके से किया जाए यह बात उन तक पहुँचाई जा सके। इस अधिवेशन पशु चिकित्सा एवं पशु अनुसंधान में शोध करने वाले वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही मीडिया सहयोग एवं मीडिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें साधना न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार तबरेज खान को बेस्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम 2013 में मैंने साधना न्यूज़ में अपना सुदर्शन न्यूज़ में मैंने 5 साल वर्क किया TV24 में किया। अभी पिछले 8 महीने से मैं साधना न्यूज़ का इंदौर का ब्यूरो चीफ हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मीडिया अपना जिस प्रकार से एक सही दिशा में काम करना जो उसको चाहिए वो करे और इसके अंदर मीडिया के ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए। जो भी खबरें हैं वो सही ढंग से उसको प्रसारित करना है, जिसके अंदर जहाँ भी जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं और जिस तरीके से आज मीडिया का जो देश में जिस तरीके से वो चल रहा है कि मीडिया सही तरीके से कवरेज कहीं कहीं नहीं देता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि हम इस पूरी चीज़ को सही तरीके से प्रसारित करें और सही तरीके से इसको पब्लिस करें और जनता के मुद्दों को और सरकार की नाकामियों को प्रसारित करें। जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू में किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था सभी विषयों के वैज्ञानिक इकट्ठा होकर चर्चा करें और इसके बाद एक निष्कर्ष निकालें कि आजकल जो हमारा कॉन्सेप्ट चला हुआ है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, मतलब पशुओं के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और वातावरण के लिए भी इस प्रकार की विधा निकाली जाए कि सब जगह स्वस्थ रहे। अगर हमारा वातावरण स्वस्थ रहेगा तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, मनुष्य स्वस्थ रहेगा पशु स्वस्थ रहेगा, तीनों का आपस में सामंजस्य है। उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई और हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट बनाकर अभी प्रस्तुत करेंगे। कितने वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया संगोष्ठी? इसमें करीब 330 लोगों ने भाग लिया है। करीब इसमें 60 वैज्ञानिक जिनको हम वेटनरी डॉक्टर बोलेंगे, ये पशुपालन विभाग से आए हुए थे। इसके अलावा पशुपालन चिकित्सा महाविद्यालय महू, जबलपुर, रीवा और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, यहाँ सभी से वैज्ञानिक। पशुपालकों और किसानों को इस संगोष्ठी से किस तरीके से लाभ पहुँचेगा और क्या लाभ पहुँचेगा? पशुपालकों को बहुत लाभ पहुँचेगा, इसलिए कि पशुपालक की जिज्ञासा इतनी रहती है जिसके बारे में की चर्चा नहीं हो पाती है और हमारा हरदम प्रयास रहता है। इसी के साथ जी न्यूज इंडिया हकीकत आप तक से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल के ऐप को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। एक बार फिर दिन भर की खबरों के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।